જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હર અમે સત્યની સાથે. सर, अभी राष्ट्रपति जी का एक प्रतिक्रिया आई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो कोर्ट जो होते हैं, हमारे न्यायालय होते हैं जिसपे जनता के केस जो न्याय के लिए आती है, वो बहुत उनकी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि जनता परेशान होती है, समय बर्बाद होता है. तो आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाए हैं. न्यायपालिका में इतना लंबा प्रोसेस जजमेंट का होता है कि आम जनता परेशान परेशान है. एक केस 10-15 साल लगातार चलता है. आप पप्पू यादव का ही उदाहरण ले लीजिए. एक सांसद थे, 12 साल वो जेल में रहे और बाद में उनको एक्यूटल कर दिया गया. तो जो भी जजमेंट हो, फाइनली देन एंड देयर करना चाहिए. और मेरा और राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने ये प्रश्न उठाया है. यह बहुत गंभीर प्रश्न है. इसमें एक कानून बनाना चाहिए इस बात का कि कोई अगर मुकदमा होता है तो 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट फाइनल जजमेंट होना चाहिए, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक. ठीक है, उससे दो फायदा ज़बरदस्त होगा दोनों लोग को कि आम जनता जो 10-15 साल जो दौड़ती रहती है कोर्ट कचहरी में, वकील को पैसा देना पड़ता है, आने जाने खाने पीने का खर्च होता है और सरकार को करोड़ों करोड़ अरबों रुपया खर्च होता है जेल में. जो जेल में कैदी रहता है उसको खिलाना पिलाना कपड़ा लत्ता, तो ये बड़ा गंभीर मामला है. लेकिन मैडम, इसी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट और इशू है कि अभी दुर्भाग्य से इस देश में कोलेजियम सिस्टम लागू है. कोलेजियम सिस्टम में एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने मन से 4 जज को नियुक्त करते हैं. ये कोलेजियम सिस्टम होता है और इसमें पीक एंड चूज लोग अपने मन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नियुक्त करते हैं. पहले ऑलरेडी था कि फाइनली राष्ट्रपति वो नियुक्त करते हैं, तो पहले कंपलसरी था. अब उसी में इन लोगों ने एक रीट पिटीशन डाल करके उसको ऑप्शनल कर दिया. परिणाम है कि राष्ट्रपति लाचारी में उनको साइन करना पड़ता है. राष्ट्रपति के मन से कोई नियुक्ति जज का नहीं होता है. तो उसमें ख़ास तौर से 98% जिनका पॉपुलेशन देश में 10% है अपर कास्ट का, वो 98% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हैं. और जिसका 90% बैकवर्ड दलित आदिवासी मुसलमान है उसका 2% जज होता है. इतना ही नहीं है, अपर कास्ट ब्राह्मण में ही सबसे ज़्यादा जज है. लेकिन ब्राह्मण में भी जो तेज तरार होगा मेरिट वाला, उसकी नियुक्ति नहीं होगी. वहाँ भाई भतीजावाद और गलत तरीके से लोग पिक एंड चूज करके नियुक्त कर रहे हैं. ये भारत के लोग आम जनता में ज़बरदस्त आक्रोश हो रहा है क्योंकि जज का फैसला यानी भगवान का फैसला है. इसलिए मेरा कहना है इस बात का कि जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कंपटीशन से IAS IPS IFS की नियुक्ति होती है, गजेटेड पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, उसी तरह से जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए और मेरिट के आधार पर चाहे कोई कास्ट का आदमी होगा वो मेरिट पर इसकी नियुक्ति किया जाए. क्योंकि धीरे धीरे आम जनता को जुडिशरी पर से विश्वास कमते जा रहा है. आप देखे होंगे कि जो राम मंदिर का जजमेंट दिया और उनको बाद में वो राज्यसभा का MP बना दिया गया. अब इस तरह से डेमोक्रेसी में होगा तो जुडिशरी पर ही सबको भरोसा है. मेरे ऐसा और तमाम देश के सभी लोग को 100% विश्वास है. लेकिन अगर जुडिशरी इस तरह से काम करने लगेगी तो कभी भी
एनआरकी हो सकता है देश में। सर सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरह से उनको जो चीफ जस्टिस गोगोई जी को इन्होंने दिया जी, और इसके बाद जो भारत की जनता के अंदर एक सवाल खड़ा हो गया उनके दिमाग के अंदर कि जो न्यायपालिका है वो भगवान माना जाता है और इंसाफ की उम्मीद होती है, लेकिन जहाँ तक सरकार दबाव में लेकर जिस तरह से फैसले कराती है और जिस तरीके से उसको कठपुतली बना देती है जज को, तो उससे क्या होता है न्यायपालिका से जनता का भरोसा उठता जा रहा है। जी जी। तो कुछ लोग इसमें क्या वो कर रहे हैं कि कानून को अपने ही हाथ में ले लेते हैं। जी जी। आपने देखा होगा कि लोग मार देते हैं किसी को भी क्योंकि वो कहते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा हमें। इस तरह के सवाल जो लोगों के दिमाग में खड़े हो गए उसको सही करने के लिए न्यायपालिका को किस तरीके से एकदम पारदर्शी और बनाना चाहिए ताकि जनता का जो भरोसा है न्यायपालिका पर टिका रहे और उससे उम्मीद रहे कि न्यायपालिका में ऐसा नहीं होगा, इंसान मिलेगा। देखिए जैसा मैंने